चैप्टर फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स इंटीजर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे काउंटिंग नंबर्स और जीरो और उनके नेगेटिव्स इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल -4 -3 2 5 ईटीसी। अब इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें जीरो और जीरो के राइट हैंड साइड सारे जो इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 इन्फानाइट तक, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे -1 -2 -3 एंड -4, ये भी इन्फानाइट तक। और जो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाता है, क्योंकि वो जीरो से उतना ही दूर होता जाएगा। अगर हम इसमें बात करें -1 और -4 में कौन ग्रेटर है, तो -1 जीरो के नियर है, इसलिए -1 इज ग्रेटर देन -4। तो जो डिजिट जीरो से जितना दूर होता चला जाएगा उतना ही वह स्मॉल होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ओके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता है। जीरो के लेफ्ट हैंड सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे और राइट हैंड सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज स्टेटेड एज अ पॉजिटिव नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसे जैसे हम मॉड का यूज़ करते हैं या वर्टिकली टू लाइन्स में नंबर्स को लिखते हैं, जैसे लिखा है 3, तो पॉजिटिव 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होगी, और -3 का भी मॉड लेंगे तो वो भी क्या होगा, 3 होगी पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे अगर हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं -25 और इसमें प्लस करना है -10, तो ये दोनों ही नंबरों का सेम साइन है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, -25 और प्लस -10, तो ये हो जाएंगे -35। अगर एक हमारा नंबर पॉजिटिव है 25 प्लस एक नंबर हमारा नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 25 -10, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव 15, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। अगर हम बात करते हैं अगर नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो, जैसे हमें 25 में से माइनस करना है 35, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ नेगेटिव का ज़्यादा है 35, तो इसमें सब्ट्रैक्ट